नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्ले स्टोर को ओपन कर रहे हैं, आपका प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा तो यहाँ पर हो रहा है, जो कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। और उसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक की। अगर आप भी उसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, चलिए जान लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कट करता हूँ प्ले स्टोर को। आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है रिमूव। तो रिमूव कहने का मतलब ये है कि आपके फ़ोन से ये रिमूव नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप प्ले स्टोर को अपने फ़ोन के अंदर से रिमूव नहीं कर सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि जो भी अब एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है तो उनके अंदर आपको प्ले स्टोर मिलता है, जो कि आप उसका यूज करना ही होगा, ठीक है। कंपनी का ये मतलब होता है और उसी वजह से आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन पहले से ही मौजूद करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को रीसेट करना होगा। रीसेट किस तरीके से करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। तो अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे मैनेजमेंट तो आपको ऊपर में ही ये सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है ऐप लिस्ट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल आउट करते जाएंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा गूगल प्ले स्टोर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लियर स्टोरेज, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा यानी कि डिलीट ऐप डाटा। तो कहने का मतलब है आप अपने जो आपका प्ले स्टोर है उसे रीसेट नहीं कर सकते हैं, पर उसका जो डाटा है वो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपके मान लेते हैं, अगर आपके प्ले स्टोर से जो भी डाटा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी इस प्ले स्टोर से पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे, वो डिलीट नहीं होंगे, आपका सिर्फ प्ले स्टोर का यहाँ पर डाटा क्लियर होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब जो आपका प्ले स्टोर का डाटा था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब आपका प्ले स्टोर बिल्कुल नए तरीके से ओपन होगा। अगर आपके फोन में ईमेल आईडी है पहले ही, ठीक है, अगर आपके फोन में नहीं है तो आप बना लेंगे, और बनी हुई है तो आपको सिंपली इसे प्ले स्टोर को ओपन करना है। पहली बार हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट ये ओपन हो, ठीक है, और उसके बाद में ये ऑटोमेटो साइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऊपर में नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं, इसी के साथ में अपनी ईमेल आईडी यहां से चेंज भी कर सकते हैं ऊपर प्रोफाइल के आइकन पर से सिंपली क्लिक करके तब, ठीक है। तो आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि गेम, मैं यहां पर लिख देता हूं गेम। जैसे ही गेम पर आप सिंपली क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे गेम्स आ जाएंगे, और आप पहले जो भी गेम डाउनलोड कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो अब यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो गेम है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट ऑन पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंडिंग दिखा रहा था पहले, पर अब यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, कितनी फास्ट यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखते ही देखते यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, कितनी फास्ट काम कर रहा है। अगर आपका फास्ट काम नहीं कर रहा था पहले तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं और आप फास्ट इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।